पुलिस आएगी तो पुलिस की गोली खानी है। डर किस बात का? पुलिस आएगी, मुकदमा दर्ज करेगी, इस बात से कोई डर नहीं। काहे का मुकदमा करे? किसका मुकदमा? कौन है वो मुकदमा करने वाला? है कौन? चाय बेचने वाला मुकदमा करेगा? वो अपने यहाँ मुकदमा करिए, अपनी माँ का करिए, अपने बाप का करिए, मुकदमा हमारा क्यों करेगा? एक महीना हो गया, उन्हें आके क्यों नहीं देखा? अब क्या हो गया? जब छुट्टी खत्म होगी तो अब स्कूलों का नाम देंगे हिंसा गुरुवारा यहाँ मैं मानने के लिए। कोई खौफ नहीं, काहे का खौफ, काहे का डर? कुछ भी नहीं डर है। क्या डर होता तो यहाँ थोड़ी बैठते हम। वो क्या सरकार है जो किसी को मान ही नहीं रही? वो सरकार है उनका कुत्ता भी नहीं। आज जब तक लिखत में नहीं मिलेगा, जब तक नहीं हटेंगे, जवान का कोई भरोसा नहीं है। कितनी बार जवान फेर दी उन्होंने, हमें थोड़ी ना खुशी लग रही है। यहाँ पे हम बैठे हैं ठंड में, पूरी ठंड यहीं पे ही निकाल दी हमने। काला कानून वापस करा, हम यहीं पे बैठे रहेंगे। ना हम पुलिस से डर रहे हैं, ना हम उस सरकार से डर रहे हैं। अल्लाह की रहमत बरस रही है हमारे ऊपर। ना हम पे हथियार है, ना मीडिया हमारे, ना हम पे मानने के लिए कुछ है ऊपर वाला। हम आप बैठे हुए आप इतने दिन से, अब तो सरकार कह रही है कि हटना पड़ेगा, पुलिस भी आने लग गई है अब तो। कौन सी पुलिस आएगी? पुलिस की गोली खानी? पुलिस आएगी तो पुलिस की गोली खानी है। एनआरसी खत्म कर, लिख के दे, और सीए खत्म कर। तो आप डर नहीं रहा? बिल्कुल नहीं डर, बिल्कुल नहीं डरेंगे। किस बात का डर? किस बात का? पुलिस आएगी, मुकदमा दर्ज करेगी, इस बात से कोई डर नहीं। काहे का मुकदमा करे? किसका मुकदमा? कौन है वो मुकदमा करने वाला? है कौन? चाय बेचने वाला मुकदमा करेगा? वो अपने यहाँ मुकदमा करिए, अपनी माँ का करिए, अपने बाप का करिए, मुकदमा हमारा क्यों करेगा? देश को आजाद कर, कुर्सी छोड़ दी। क्या कहेंगे कि अब जो है पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि खाली करना पड़ेगा, रोड ब्लॉक हो रहा है, तो कोई आए तो हमें सुने तो सरकार का कोई आदमी। हम भी परेशान हो रहे हैं, सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं, नोएडा से मेट्रो से जाते हैं आते हैं, इतनी परेशानी हो रही है, तो हम भी परेशान हो रहे हैं, तो कोई आए बात सुने, ताकि हम भी स्कूल से आते हैं 4 बजे, उसके बाद आके फिर यहाँ बैठ जाते हैं। हम भी परेशान। एक महीना हो गया, उन्हें आके क्यों नहीं देखा? अब क्या हो गया? जब छुट्टी खत्म होगी तो अब स्कूलों का नाम देंगे हिंसा गुरुवारा यहाँ मैं मानने के लिए हैं। तुम जैसे बच्चों को पीट दिया, हाथ टूटे हुए आ रहे थे, पांव टूटे हुए आ रहे थे, जो कर रहा अब बालकों का भावना लेकर आ रहा, बच्चे पढ़ेंगे, हमारे बच्चे अनपढ़ रह जाएंगे, कोई बात तो आप लोग यहाँ से नहीं हटने वाले? नहीं हटे, जब तक कोई हमारी बात नहीं सुनेगा हम नहीं हटेंगे। अगर पुलिस बल का प्रयोग करती है तो फिर इतना बल क्या हुआ? जान से बढ़ के तो कुछ नहीं है बल का प्रयोग। शाहीन बाग की महिलाओं को कोई डर नहीं रहा। पुलिस के नाम का, सरकार के नाम कोई खौफ नहीं, काहे का खौफ, काहे का डर? कुछ भी नहीं डर है। डर होता तो यहाँ थोड़ी बैठते हम। अरे भाई, वो क्या सरकार है जो किसी को मान ही नहीं रही? वो सरकार है उनका कुत्ता भी नहीं। हाँ, क्या कहेंगे आप लोग जो है? अब ये तय है कि आप लोग जब तक लिखित में नहीं मिलेगा तब तक नहीं हटेंगे? हाँ, जब तक लिखित में नहीं मिलेगा, जब तक नहीं हटेंगे, जवान का कोई भरोसा नहीं है। कितनी बार जवान फेर दी उन्होंने, जवान का कोई भरोसा ना उनका। हमें थोड़ी ना खुशी लग रही है, यहाँ पे हम बैठे हैं ठंड में, पूरी ठंड यहीं पे ही निकाल दी हमने। जब तक वो वापस ना लेंगे CAA NRP, जब तक हम यहीं पे ही बैठे रहेंगे। काला कानून वापस करा, हम यहीं पे ही बैठे रहेंगे। ना हम पुलिस से डर रहे हैं, ना हम उस सरकार से डर रहे हैं, हम यहीं पे बैठे रहेंगे। अल्लाह की रहमत बरस रही है हमारे ऊपर। ना हम पे हथियार है, ना मीडिया हमारे, ना हम पे मानने के लिए कुछ है ऊपर वाला। बस जो भी कुछ है वही करेगा ऊपर वाला फैसला। आने सब डंडे बंदूक लेके बैठे, ये क्या नाम है, पुलिस वाले। हम तो अल्लाह के भरोसे बैठे हैं। कल रात को भी पुलिस आई थी यहाँ पर? हाँ, पुलिस आई थी वहाँ पे। हमने खुद मना करा, उन्होंने हमसे कहा कि क्या कहें, यहाँ से हट जाओ। हमने कहा हम ना हटेंगे जरा भी, हम यहीं पे ही बैठे रहेंगे। नुका आगे बैठ जाओ, ना आगे भी ना बैठेंगे, यहीं रहेंगे हम, बैठोगे। मना कर दिया हमने, फिर वो चले गए।
तो ये जिस तरह से सरकार की तरफ से कहा गया कि वो बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन आज मनोज तिवारी जो दिल्ली से बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि आप लोग जो है उनके घर पे जाइए। हाँ, हम लोग सब उनके घर पे जाए बात करने के लिए, उनको विदेश घूमने का टाइम है उनके पास। हाँ, पूरा दुनिया घूम के चले आए, शाहीन बाग ना देखा हुआ उनका। वो कह रहे कि आप लोग पहुंच जाइए उनके घर। नहीं नहीं, यहीं पे करेंगे वो हमसे बात। हमें उनका घर नहीं देखा हुआ, उनको शाहीन बाग ना देखा हुआ तो हमें पीएम हाउस ना देखा हुआ है, पूरा दुनिया देखा हुआ है। पाकिस्तान का घर देखा हुआ था नवाज शरीफ का, और हमारा घर शाहीन बाग ना देखा हुआ था। पाकिस्तान देखा हुआ था पीएम मोदी का, और शाहीन बाग ना देखा हुआ उनका। शाहीन बाग ना देखा पाकिस्तान में। देखिए, यहाँ पर जो है महिलाओं का साफ तौर पर कहना है कि जब तक उनको जो है लिखित में आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक वो यहीं पर है, और जाहिर तौर पर ये खुद भी मान रहे हैं इस बात को कि इनको भी जो है परेशानियां हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा आए, वो इनसे बात करे, इनसे बात करके इनके समस्याओं को सुने। एक टीस है दिल में एक दर्द है कि हम ये लोग एक महीने से बैठे हैं लेकिन सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा नहीं आया, हमको लगातार जो है इग्नोर किया गया। और अब जो है जब ज़्यादा दिक्कत होने लगी है, क्योंकि सरकार ये मान के चल रही थी कि ये प्रदर्शन जो है वो हफ्ता 10 दिन 15 दिन के बाद में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन एक महीना बीत चुका है, जब अब पूरे देश भर में अलग अलग शहर जो है वो शाहीन बाग बन रहे हैं, एक रोल मॉडल बन गया है शाहीन बाग, तो ऐसे में सरकार को जो है शायद घबराहट होने लगी है, इसीलिए कोर्ट के दरवाजे से सरकार कह रही है कि ये रोड जो है वो ब्लॉक हो रहा है, इसको खाली करवाना पड़ेगा, यहाँ से प्रदर्शन जो है खाली करना पड़ेगा। लेकिन शाहीन बाग की जो दादियाँ हैं, शाहीन बाग की जो महिलाएँ हैं वो यहाँ पर मौजूद है, वो साफ तौर पर कह रही है कि उनको जो है पुलिस का और सरकार का कोई खौफ नहीं है, उनको मुकदमों से और जेल से जो है या पुलिस की गोलियों से किसी प्रकार का कोई खौफ नहीं है, लेकिन उनके दिल में एक टीस ज़रूर है कि सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा आए, वो यहाँ पर बात करे, लिखित में उनको आश्वासन दे कि NPR जो है वो उसमें जो त्रुटियाँ हैं उनको जो है दूर किया जाएगा, NRC लाया नहीं जाएगा और CA को वापस लिया जाएगा। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय, निश्चित खबर पसंद करें, राय जरूर दें। उसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी